नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है जॉयलैंड और यह मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉयलैंड 2022 की उर्दू और पंजाबी भाषा की पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म है, जिसे साइम सदीक ने लिखा और निर्देशित किया गया है। फिल्म में अली जुनेजा, स्टीव फारूक, अलिया खान, सरबन गिलानी और सलमान पीरजादा है। ये कारण ईराना परिवार और रंजीत है, जिसमें कुलपति दूसरे लड़के के जन्म के लिए तस्वीरें 23 मई 2022 को इन सन टाइम्स रिकॉर्ड्स में 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका विश्व प्रीमियर हुआ, जहां इसने केमिक डॉक्टर और स्पर्धा थे। डायलॉग कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म और उसके के बाद इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। 2 दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह सलमान पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणबीर का मुखिया है, जिसमें उसके 2 बेटे बहुए और 4 बेटियों जो कि शामिल है। वो बच्चा बचाता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है, 2 अपनी वो मुमताज दस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करें। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है, लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अलीना खान बीबा के रूप में नच्ची, के रूप में सरवन गिलानी, सलमान पीरजादा, राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम, के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड सेक्शन में 75 कांस्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कांस्टेबल एक यूके और फ्रांस फिल्म बिक्री फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है, जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंडेंट के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार कोडेट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 19 जनवरी में 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 सनडांस फिल्म फेस्टिवल के
स्टार सैटेलाइट फंड में भी आमंत्रित किया गया था। चटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिक कामों के शो को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाणित पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा है कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिण पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशोल मीडिया पर सेतुवेन के रिलीज जयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा है कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई जो फिल्म के एक कार्यवाही अभिनेता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति भेजन फैशन और सबसे विजय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती है। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए कठिन एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घाट दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर के निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को इसे द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिज्ञित होना है। स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में पूर्णिया पर इसे ऑब्जेक्शन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.710 है। भारत फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस वेटिकोट ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर प्यार लालसा और अकेलापन कामुकता इच्छा लागू किए
यह इस अद्वित संवेदनशील कलाक्रम के परिच्छनता होता है। अवलौकिक निकाय और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न पनपता है। पेटीकोट ने कहा, नहेदर मुमताज और बीबी की पात्र के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक टिप्पणी के रूप में सुराग रूप से चलती है। ब्रिलियंट के सिद्धांत अदल खान ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिष्कृत किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल भी, लेकिन यह हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो, जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चरणों और क्लब के फर्दा लुभावती खामोशी है। नेशनल पेरलांट में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो, वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामान्य लाया। सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संकेत किया जाता है, इसे दिव्यांगों मार्ग बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलिक जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी, सानिया सदई और अलीना खान अपना तकरूब से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निशस निकाला कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बनाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ ने कहा कि फिल्म में विवाह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सॉलिस्ट रूप में चुना गया था। 2 दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह सलमान पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणबीर का मुखिया है जिसमें उसके 2 बेटे बहुए और 4 पीतियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है, 2 अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है, लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक डांसर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन ईरानी, सलमान पीरजादा राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई। स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में 75 फ्रांस कांस्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कांस्टेबल एक यूके और फ्रांस फिल्म बिक्री फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार कोडेट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतियों में
में पंजीकृत किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 19 जनवरी में 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट फंड में भी आमंत्रित किया गया था। थियेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग की 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिक कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिणायन पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुफ्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर के रिलीज जयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ए अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति भेजन फैशन और सबसे जय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के करीब नकारात्मक छवि पेश करती हैं। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। यह अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये क्वार्टर रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घाट दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को इसे द्वारा चीखी गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिगित होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में पुनिया पर इसे स्टूडियो ऑपरेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 7.710 है।
हर फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस वटिकोट ने फर्स्टवार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर प्यार, लालसा और अकेलापन का मुक्त इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परीक्षण लेता होता है। अलौकिक भूमिकाएं और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटिकोट ने कहा, हैदर मुमताज और बीबी की पात्र के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिल्मी के रूप में सुराग रूप से चलती है। ब्रिलियंट के सिद्धांत अदल खन्ना ने फिल्म को बी प्लस के रूप में विकसित किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगर बिल्कुल भी, लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो कवकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो, जैसा कि पात्र आगे बढ़ने में चरणों और क्लब के फर्जा लुभावती खामोशी है। नेशनल हेरल्ड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंत नहीं शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की प्रसिद्धि की कितनी भी हो, वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया, सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है, इसे दिव्यांगों मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी सानिया सदई और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बनाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तानी की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने रहे और हमें वर्णित किया। अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैर ने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ ने कहा कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्वीर और फेमिनिस्ट की मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह हनुमान पीरजादा वर्गीय राणा रणबीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार पीतियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है, दो अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करें। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है, लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक डांसर डांसर अलिया खान विवाह से प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्ती फारूक, अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन ईरानी, सलमान पीरजादा राणा अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई। स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में 5 कांस्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कांस्टेबल UK और फ्रांस तीन बिक्री फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME
इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार टोरेंट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरेंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था। थियेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामों दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनाओं तक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिण पार्टी जमायत के इलाशनी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवीर के रिलीज जयलैंड के चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नेवल पुरस्कार विजेता मलाला सुसुजई, जो फिल्म के एक कार्यवाहीता भी है, ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति, भेजन, फैशन और सबसे विजय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती हैं। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति ने मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। यह अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक टोटल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कल्याणक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को निषेध द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिहित होना
है। स्वागत समारोह हमें तुम्हारा जवाब फिल्म को व्यापक मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में पूर्णिया परिसरेशन मिला परीक्षा रेडिएटर वेबसाइट रोटेन टमाटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं के 100% सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। हर फिल्म की इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस रोटिकोट ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर प्यार लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परीक्षणता होता है। अवलौकिक भूमिकाएं और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटिकोट ने कहा, हैदर मुमताज और बीबी की पात्रों के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति में एक सिम्फनी के रूप में सुराग रूप से चलती है। ब्रिलियंट के सिद्धांत अदल खन्ना ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिष्कृत किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगर भी लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से संगीत हो जैसा चरणों और क्लब के फर्जा विभाव की खामोशी है। नेशनल हेरल्ड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे कि उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो, एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया, सादिक द्वारा जीवन के चक्र को अमूलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है, इसे द्विमांगु मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी, सानिया सदीद और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने प्रिंसेस निकाला कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्रण था। द इंडियन एक्सप्रेस के सुधा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली तारीख प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक यह देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने थे और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ ने कहा कि फिल्म में दुल्हा की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हविसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्वीर और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। 2 दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह हनुमान पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणवीर का मुखिया है जिसमें उसके 2 बेटे बहुए और 4 बेटियों जो कि शामिल है। वो बच्चा पहुँचाता है कि उसके बच्चे इसे एक होता है, 2 अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती बेहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्ती फारूक, अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन गिलानी, सलमान पीरजादा, राणा
अमानुल्लाह के रूप में, सलीम के रूप में, सुहेल अमीर, सानिया सहित, फैज के रूप में, सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में से 35 फिल्म कॉन्स्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कॉन्स्टेबल एक यूके और फ्रांस तीन बिक्री फर्म के फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है, जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार प्रोडेंट द्वारा अधिकृत किए गए हैं। फिल्म को 2022 प्रोडेंट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में पंजीकृत किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के स्टार सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था। थियेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी, हालांकि पाकिस्तान से के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाणित पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश के दक्षिणायन पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवेंट के रिलीज जॉयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रताड़ित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जॉयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसे संस्कृति, भेजन, फैशन और सबसे बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानी द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती हैं। इसके विपरीत इसने फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसके रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसने फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। यह अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जॉयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर उन्हें बाहर की निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम
है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को मिश्र द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिजीत होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में प्रीमियर पर इसे स्टूडियो ऑवेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। हर फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस कोटिकोट ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर प्यार लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परीक्षण लेता होता है। अवलौकिक भूमिका और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटिकोट ने कहा, निहेदर मुमताज और बीबी की पात्रों के साथ अत्याचार और विकृत के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति में एक टिप्पणी के रूप में सुराग रूप से चलती है। ब्रिलियंट के सिद्धांत अदल खान ने फिल्म को बी क्लास के रूप में विकसित किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगर भी लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से संहित हो जैसा कि आगे बढ़ने के चलनों और क्लब के प्रचार लुभाव की खामोशी है। नेशनल एयरलैंड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की प्रस्तुति की कितनी भी हो, वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, जश और संभावना की संभावना लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया, सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संकेत किया जाता है, इसे मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी, सानिया सदी और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मानवीय चित्र बना था। द इंडियन एक्सप्रेस के शुभ्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने थे और हमें वर्णित किया। अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैर ने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ ने कहा कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। और इसे स्टूडियो हवसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। 95 के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर विधवा हनुमान पीरजादा मध्यवर्गीय राणा रणवीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार दीदियों के शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है, दो अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करें। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब देहर
हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन ईरानी, सलमान पीरजादा राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में 65 फ्रांस फिल्म्स कांस्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कांस्टेबल एक यूके और फ्रांस चीन बिक्री कर फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है, जिसे उत्तरी अमरीका में प्रतिनिधित्व के लिए WME इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार टोरेंट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरेंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 29 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाणित पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश के दक्षिणायन पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुफ्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवेल के रिलीज जयलैंड के चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ जाता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई, जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है, ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति, भेजन, फैशन और सबसे जय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती हैं। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसके रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। यह अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक टोटल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए
को दिखा दिया गया है कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर के निकालते हैं तो आप जानते हैं कि अमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पटिकार्ड के लिखा ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। और इस महत्व में अनिश्चित होना दुनिया भर में हथियारों को में से द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिज्ञित होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में प्रीमियर पर इसे प्रिय आवेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। हर फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एम एस वेटिकोट ने फर्स्ट वार पर लिखा इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परिचयता होता है अवलौकिक भूमिका और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न पनपता है। पेटिकोट ने कहा हैदर मुमताज और बीबी की यात्रा के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिपनी के रूप में सुराग रूप से चलती है। ब्रिलियंट के सिद्धांत अदल खन्ना ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिस्कृत किया और लिखा प्रेम धीरे धीरे चलता है अगर बिल्कुल लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चलनों और क्लब के फर्दाती खामोशी है। नेशनल एयरलैंड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है यश और संभावना की संभावना लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है इसे दिव्यांग मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलिक जुनेजा सलमान पीरजादा सरवन खिलाड़ी सानिया सदीद और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बना था। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्ग ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने दें और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ में कहा है कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हवेशन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्रीन और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई।
अंतरिक्ष शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह सलमान पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणवीर का मुखिया है, जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार बेटियों के शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है, दो अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करें। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है, लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान बीवा के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान बीवा के रूप में नच्ची के रूप में सरवन ईरानी, सलमान पीरजादा राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड सेक्शन में 75 कांस्टेबल में। इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कांस्टेबल एक यूके और फ्रांस चीन से बिक्री कर फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है, जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार कोडेट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था। थियेट्रिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के सरल रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिणायत पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवेर के रिलीज जयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सईम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ये अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इस संस्कृति भेजन फैशन और सबसे विजय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के तरीके नकारात्मक छवि पेश करती है। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग ने एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में
मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। यह अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से डायल जॉयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर की निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को इसे द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिगीत होना है। स्वागत समारोह अहमद भरा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में पूर्णिया पर इसे स्टूडियो ऑवेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। भारत फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस रिटिकोड ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर प्यार लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परीक्षण लेता होता है। अवलौकिक भूमिका और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटीकोट ने कहा, हैदर मुमताज और बीबी की गात्रों के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिफनी के रूप में सुराग रूप से चलती है। वेंडियंट के सिद्धांत अदल खन्ना ने फिल्म को बी प्लस के रूप में विकसित किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल भीम, लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो, जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चरणों और क्लब के फर्जा विभावती खामोशी है। नेशनल एयरलंट में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंत नहीं शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो, एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया। सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है, इसे द्विगुण मार्ग बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलिक जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी सानिया सदई और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने प्रिंसेस निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बनाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तानी की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्क ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने दे और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ ने कहा कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्र के रूप में
भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। और इसे स्टूडियो हरिसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्वीर और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। अंतरिक्ष शहर लाहौर में एक गंभीर विधवा हनुमान पीरजादा महत्वपूर्ण राणा रणबीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार बेटियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है दो अपनी वो मुमताज वस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती जहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढलना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन गिरानी, सलमान पीरजादा राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई। स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में 75 कांस्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कांस्टेबल एक यूके और फ्रांस चीन बिक्री फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमरीका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार प्रोडक्ट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 29 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट संड में भी आमंथित किया गया था। थियेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग के 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के सरल रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाणक मंत्रालय ने कहा कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिणायन पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुफ्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवेल के रिलीज जयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नेवल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति, भेजन, फैशन और सबसे
भरकर इसके लोग न कितना बेखूद है पाकिस्तानी द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के करीब नकारात्मक छवि पेश करती हैं, इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से गायल जॉयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर की निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हथियारों को में से द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिगीत होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक आलोचकों का मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में प्रीमियर पर इसे स्टूडियो ऑवेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षा में 100% सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। और फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस वेटिकोड ने फर्स्ट वार पर लिखा इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परीक्षण लेता होता है अवलौकिक भूमिकाएं और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पट्टिकोट ने कहा निहेदर मुमताज और बीबी की पात्र के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक कृपणी के रूप में सुराग रूप से चलती है। वेंडियंट के सिद्धांत अदल खन्ना ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिष्कृत किया और लिखा प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल बिल्कुल भी लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है चाहे वो प्रकाश के समर्थवाद प्रदर्शन से सन्निहित हो जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चलनों और क्लब के फर्दा लुहावती खामोशी है। नेशनल एयरलैंड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है जश और संभावना की संभावना लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है इसे द्विमांगु मार्ग बनाया जाता है।
अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी, सानिया सदीद और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला। कविता अवस्थापी और उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बनाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तानी की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्क ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ में कहा है कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग के विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। और इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्रीन और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह सलमान पीरजादा मध्यवर्गीय राणा रणबीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुएं और चार बीवियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है दो अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान बीबा के रूप में नच्ची के रूप में सरवन इरानी, सलमान पीरजादा राणा अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड सेक्शन में 35 कॉन्स्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कॉन्स्टेबल एक यूके और फ्रांस तीन बिक्री फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार टोरेंटो द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरेंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के स्टार सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था। थ्रेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन मंत्रालय ने कहा है कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिणायन पार्टी जमायत ए इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ
होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों में मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतवीर के रिलीज संजय लैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सईम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई, जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है, ने लिखा, जायलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति, भेजन, फैशन और सबसे विजय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती हैं। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सहयोग ने एसोसिएशन क्रेव को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जायलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कल्याणक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घृत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर की निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है, और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को मिसे द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिगीत होना है। स्वागत समारोह अहमद भरा जवाब, फिल्म को व्यापक आलोचकों का मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान। फिल्म समारोह में प्रीमियर पर इसे वीडियो ऑब्जेक्शन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। और फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस वट्टिकाट ने फर्स्टवार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परिचयता होता है। अवलौकिक भूमिकाएं और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न पनपता है। पट्टिकाट ने कहा, हैदर मुमताज और बीबी की पात्र के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिल्मी के रूप में सुराग रूप से चलती है। वेंडियंट के सिद्धांत अदल खान ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिष्कृत किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगर भी लेकिन ये हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो, जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चलनों और क्लब के फर्जा लुहावती खामोशी है। नेशनल
एरलांट में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंत नहीं शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चांद चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की प्रस्तुति की कितनी भी हो, वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया। सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है, इसे दिव्यांग मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी सानिया सदीद और अलीना खान अपना तकरूब से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बनाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तानी की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठा दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्क ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली प्रकृति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मित में कहा है कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्यादा नहीं बनाई गई है। स्मित ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। और इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्रीन और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए ज्यूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर विधवा सलमान पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणवीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार बेटियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है, दो अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन गिरानी, सलमान पीरजादा राणा अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई। स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में 75 फिल्म कॉन्स्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कॉन्स्टेबल एक यूके और फ्रांस चीन बिक्री कर फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार प्रोडक्ट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 19 जनवरी में 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था। थियेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग के 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के सरल रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों
डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाणित पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाणक मंत्रालय ने कहा है कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिण पार्टी जमायत के इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। सोशल मीडिया पर सेतवीर के रिलीज जयलैंड के चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा है कि ये बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ये अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई, जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है, ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति, भेजन, फैशन और सबसे विजय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानी द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती है। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं, के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक सहयोग ने एपिसोड एसोसिएशन प्रेस को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए कठिन एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घात दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर के निकालते हैं तो आप जानते हैं कि अमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। बट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को में से द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिगीत होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले। राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में प्रीमियर पर इसे स्टूडियो ऑवेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। हर फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस बट्टिकाट ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर लालसा और अकेलापन का मुक्ता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परिचयता होता है। अवलौकिक भूमिका और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटीकोट ने कहा, हैदर मुमताज और बीबी की यात्रा के साथ अत्याचार और वितरित के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिफनी के रूप में सुराग रूप से चलती है।
मेंडियंट के सिद्धांत अदल खन्ना ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिष्कृत किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल बिल्कुल भी, लेकिन यह हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से संहित हो, जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चरणों और क्लब के फर्जा लुहावती खामोशी है। नेशनल हेरल्ड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो, वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया, सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संकेत किया जाता है, इसे दिव्यांग मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी सानिया सदीद और अलीना खान अपना तकरूप से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने प्रिंसेस निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बना था। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्क ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक यह देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में गैरने डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मित में कहा कि फिल्म में जगह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा नहीं बनाई गई है। स्मित ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ की और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए ज्यूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह सलमान पीरजादा महत्वपूर्ण राणा रणवीर का मुखिया है, जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार पीतियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक होता है दो अपनी वो मुमताज मुस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है, लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अली खान अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन ईरानी, सलमान पीरजादा राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सईद फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में 75 फिल्म कॉन्स्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कॉन्स्टेबल एक यूके और फ्रांस चीन बिक्री फर्म के फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है, जिसे उत्तरी अमरीका में प्रतिनिधित्व के लिए WME इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार प्रोडक्ट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 19 जनवरी में 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के स्टार सैटेलाइट संड में भी आमंत्रित किया गया था।
थिएट्रिकल। ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी, हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मुरान पिक्चर्स उद्योग के कारण इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामुक दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के सरल रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा है कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिण पार्टी जमायत के इलाशन के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेथविल के रिलीज जयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित लिखित बचाव में पुरस्कार विजेता मलाला सुसुजई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इस संस्कृति भेजन फैशन और सबसे विजय पर इसके लोग कितना बेतूत है। पाकिस्तान द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती है। इसके विपरीत इसमें फिल्म इंडिया को आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और तृप्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाने के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए कठिन एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कर्मानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए दिखा दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर की निकालता है तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे कोलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को इसे द्वारा चीखी गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिहित होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले। राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में दुनिया पर इसे रिव्यूशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर फिल्म आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। और फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एमएस वट्टिकोट ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जो शाही दोस्ती पर लालसा और अकेलापन का मुक्त इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परीक्षण होता है। अवलौकिक भूमिकाएं और
रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे दुर्भाग्य दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटिकोट ने कहा, हैदर मुमताज और बीबी की व्यापक अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिफनी के रूप में सुराग रूप से चलती है। वेंडियंट के सिद्धांत अदल खान ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अनुस्कृत किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल बिल्कुल हिम, लेकिन यह हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से संगीत हो, जैसा कि आगे बढ़ने में चलने और क्लब के फर्जा विभावती खुशी है। नेशनल एलर्ट में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक क्षण को चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की प्रसिद्धि की कितनी भी हो, एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहक किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामान्य लाया। सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संकेत किया जाता है, इसे नागरिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलय जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी, सानिया सदीद और अलीना खान अपना तहूब से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने कंसर्स निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मानवीय चित्र बना था। द इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली अधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के मलोबिया गौर्ग ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक शारीरिक यह देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में डायलॉग के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मित ने कहा कि फिल्म में विवाह की एक चलन भावना है जो इसके पात्र के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा नहीं बनाई गई है। स्मित ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हबसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्वायर और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तान सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर मुकामा पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणवीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार बेटियों के शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक होता है दो अपनी वो मुमताज रस्ती फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती बेहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान युवा से प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा, मुमताज के रूप में रस्सी फारूक, अलीना खान बीवा के रूप में मुच्ची के रूप में सरवन ईरानी, सलमान पीरजादा राना अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर, सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में सिक्स फाइव कॉन्स्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कॉन्स्टेबल एक यूके और फ्रांस चीन से बिक्री कर फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंड के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार प्रोडक्ट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में इसे 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अंकित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 19 जनवरी में
29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट फंड में भी आमंत्रित किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिक कामों के शो को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाणित पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाणक मंत्रालय ने कहा है कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिणांचल पार्टी जमायत ए इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों को मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवीर के रिलीज जयलैंड के चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सैम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इस संस्कृति भेजन फैशन और सबसे ऊपर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानी लोगों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती है। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोग में एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया, जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से थाईलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घृत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर के निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को इसे द्वारा चीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिभूत होना स्वागत समारोह अहमद बड़ा जवाब फिल्म को बैठक करके मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसक आन फिल्म समारोह में दुनिया पर इसे आवेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट डॉटमेटर्स पर फिल्म आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। और फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एम एस पट्टिकोट ने राष्ट्रवाद पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर
का लालसा और अकेलापन का मुक्त इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परिचयता होता है अवलौकिक निकाय और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न बन पड़ता है। पेटिकोट ने कहा मुहैदर मुमताज और बीबी की गायत्री के साथ प्रचार और वितरित के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक त्रिपुणी के रूप में सुराग के रूप से चलती है। रेडियंट के सिद्धांत अदल खान ने फिल्म को बी प्लस के रूप में रिलीज किया और लिखा प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल बिल्कुल लेकिन यह हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चरणों और क्लब के फर्जा लुहाब की खामोशी है। नेशनल हेरल्ड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की प्रस्तुति की कितनी भी हो वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहक की किया जाता है और सावधानीपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समापन के लिए उन्होंने कहा डायलॉग एक जंग के साथ शुरू होता है यश और संभावना की संभावना लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को संवारने लाया सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है इसे दिव्यांगों मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलिक जुनेजा सलमान पीरजादा सरवन खिलाड़ी सानिया सदई और अलीना खान अपना तबूत से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने प्रिंसेस निकाला कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मानचित्र बना था। द इंडियन एक्सप्रेस के सुधार गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तान की पहली कारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्ग ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में यारने गैलॉक के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ ने कहा कि फिल्म में यह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा डायलॉग विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है। बाद इसे स्टूडियो हवेसन मिला और फेस्टिवल में बेस्ट LGBTQ स्क्वीर और फेमिनिस्ट थीम मूवी के लिए जूरी प्राइज और स्क्रीन प्राइज भी जीता। फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए पाकिस्तानी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया था। दिसंबर 2022 को यह श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। आंतरिक शहर लाहौर में एक गंभीर पितामह हनुमान पीरजादा महत्ववर्गीय राणा रणवीर का मुखिया है जिसमें उसके दो बेटे बहुए और चार पीतियों जो कि शामिल है। वो बच्चा वो चाहता है कि उसके बच्चे इसे एक पोता है दो अपनी वो मुमताज उसकी फारूक और उसके छोटे बेटे और उसके पोती देहर अली जुनेजा के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करें। एक कामुक नृत्य थिएटर के काम पता है लेकिन सब बदल जाता है जब दोहरे देहर हैदर को एक ट्रांसजेंडर डांसर अलिया खान विवाह के प्यार हो जाता है। ढालना हैदर के रूप में अली जुनेजा मुमताज के रूप में रस्सी फारूक अली खान अलीना खान विवाह के रूप में नच्ची के रूप में सरवन ईरानी सलमान पीरजादा राणा अमानुल्लाह के रूप में सलीम के रूप में सुहेल अमीर सानिया सहित फैज के रूप में सिहाई स्क्रीनिंग 23 मई 2022 को ऑन स्क्रीन रिगार्ड सेक्शन में सिटी 5 फिल्म कॉन्स्टेबल में इस फिल्म के विश्व प्रीमियर हुआ था। फिल्म कॉन्स्टेबल एक यूके और फ्रांस तीन बिक्री फर्म के फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए लिया है जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए WME हिंदी इंडिपेंडेंट के साथ साझा किया जाएगा। फिल्म के फ्रांसीसी अधिकार कोडेट द्वारा अधिकृत किए गए थे। फिल्म को 2022 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष उपस्थितियों में
में प्रदर्शित किया गया था और 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर में 1928 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आमंत्रित किया गया और 18 दिसंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया। उसी महीने उसे 19 जनवरी में 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 2023 संडांस फिल्म फेस्टिवल के सैटेलाइट फंड में भी आमंथित किया गया था। थियेटिकल ये फिल्म 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान से ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देश के मोरान पिक्चर्स उद्योग 1979 के कारण इसके रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई औपचारिकता कामों के दृश्यों को सेंसर करने के बाद फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के समय रास्ता साफ करते हुए 16 नवंबर को इस निर्णय को उलट दिया गया था। विवादों डायलॉगों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने और सेंसर बोर्ड द्वारा अगस्त में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने नवंबर में इसके घरेलू रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सूचना प्रबंधन प्रमाण मंत्रालय ने कहा है कि इसे फिल्म के बारे में लिखित शिकायत मिली है। देश की दक्षिणायत पार्टी जमायत ए इलाशमी के एक अभियान के बाद पार्टी के सीनेटरी में से एक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फिल्म पर पाकिस्तानी मूल्यों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के साथ साथ उनके प्रेम संबंधों के मेल राइज करता है, हमारी मान्यताओं पर सीधा हमला है। मोशल मीडिया पर सेतुवन के रिलीज जयलैंड के पर चक्कर लगाने के साथ प्रतिबंध की कड़ी आलोचना हुई। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के निदेशक सईम सदीक ने लिखा कि वो और उनकी टीम प्रतिबंध से आहत थे और कहा है कि यह बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध था। फिल्म की नायक की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ए अलीना खान ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है और मुझे समझा नहीं आता है कि इस्लाम केवल फिल्म से कैसे खतरे में पड़ सकता है। वैरायटी में प्रकाशित एक लिखित बचाव में नेवल पुरस्कार विजेता मलाला सुसुपजई जो फिल्म के एक कार्यवाही निर्माता भी है ने लिखा, जयलैंड भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र है। इसकी संस्कृति भेजन फैशन और सबसे जय बढ़कर इसके लोग कितना बेखूद है। पाकिस्तानियों द्वारा और उनके लिए बनाई गई एक फिल्म को अब हमारी स्क्रीन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और क्योंकि ये दावा किया गया है कि ये हमारे जीवन के तरीके का प्रतिबंधित नहीं करते हैं या हमारे देश के नकारात्मक छवि पेश करती है। इसके विपरीत इसमें फिल्म लाखों आम पाकिस्तानियों के लिए वास्तविकता को दर्शाती है, जो लोग स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए तरसते हैं, जो लोग हर दिन खुशी के क्षण बनाते हैं के लिए जिन्हें प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ये सहयोग में एपिसोड एसोसिएशन को बताया कि फिल्म के मूल्यांकन के लिए गठित एक समिति में मामूली कटौती के साथ इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर प्रतिबंध को उलट दिया गया जिसमें फिल्म को 18 नवंबर को अपनी मूल पाकिस्तान रिलीज तिथि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। ये अभी तक पंजाब प्रतिबंधित है। विशेष रूप से जयलैंड ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग नहीं की। फर्स्ट पोस्ट के ये एक पोर्टल रिपोर्ट में पत्रकार अन्ना एम बट्टिकाट ने खुलासा किया कि इस फिल्म को फेस्टिवल के कलमानक निदेशक दीपिका सुशीलन ने स्वीकार कर दिया था। लेख में सुशीलन को ये कहते हुए उद्घत दिया गया कि वास्तव में ये है कि एसआई से निपटने वाली बहुत सी फिल्म के विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अगर हम बाहर की निकालते हैं तो आप जानते हैं कि आमलौकिक समलौकिक विभिन्न खंड है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे पुलोमा अधिक पसंद आया और मेरे लिए डायलॉग बहुत अधिक समय ले रहा था। पट्टिकांड के लिखा, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए ये अक्षम है कि वो अपनी व्यक्तिगत राय पर विचार करने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक महत्व के बावजूद ऐसी फिल्म को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और इस महत्व में अनिश्चित होना और दुनिया भर में हत्यारों को में से द्वारा छीखे गई भीड़ के बावजूद इसमें दर्शकों की रुचि से समान रूप से अभिगीत होना स्वागत समारोह अहमद द्वारा जवाब फिल्म को व्यापक चौका मिले राष्ट्रीय आलोचकों से और प्रशंसा कान फिल्म समारोह में प्रीमियर पर इसे स्टूडियो ऑपरेशन मिला। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 15 आलोचकों की समीक्षाओं में 100% सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 7.710 है।
हर फिल्म के इंडिया प्रीमियर के मौके पर अन्ना एम एस वट्टिकोट ने फर्स्ट वार पर लिखा, इन विभाजनकारी समयों में हमारे दोनों देशों के बीच कई समताओं पर विचार करना उचित है। हमारी विफलताओं में शामिल है जैसा ही दोस्ती पर लालसा और अकेलापन का मुख्यता इच्छा लागू किए गए इस अद्भुत संवेदनशील कलाक्रम के परिच्छनता होता है। अवलौकिक भूमिकाएँ और रोजमर्रा की जिंदगी जिसके पीछे पूर्वाग्रह दमन और उत्पीड़न पनपता है। पेटिकोट ने कहा, नहेदर मुमताज और बीबी की व्याकरण के साथ अत्याचार और पितृत्व के कलाकार के विपरीत फिल्म गीत गति के में एक फिपनी के रूप में सुराग रूप से चलती है। वेंडियंट के सिद्धांत अदल खान ने फिल्म को बी प्लस के रूप में अभिष्कृत किया और लिखा, प्रेम धीरे धीरे चलता है अगल भीम, लेकिन यह हमेशा शारीरिक और भावनात्मक दर्जा के भरा हुआ होता है। इधर में हमेशा कुछ होता है, चाहे वो प्रकाश के चमत्कार प्रदर्शन से सन्निहित हो, जैसा कि पात्र आगे बढ़ने हैं चरणों और क्लब के फर्जा लुभावती खामोशी है। नेशनल हेरल्ड में नम्रता जोशी ने लिखा कि फिल्म को अंतर्निहित शक्ति पर तैयार किया गया है। जोशी ने गुणी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्रत्येक चरित्र चाहे उसकी स्क्रीन पर रहने की उपस्थिति की कितनी भी हो, वो एक दुर्लभ प्रणाता के साथ ग्राहकों की किया जाता है और सावधानपूर्वक सहज प्रदर्शन द्वारा जीवंत किया लाया जाता है। अपनी समीक्षा के समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग एक जन्म के साथ शुरू होता है, यश और संभावना की संभावना, लेकिन नुकसान की जबरदस्त भावना के साथ छोड़ देता है। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन के मार्ग को सामने लाया, सादिक द्वारा जीवन के चक्र को कोमलता और शिष्टता के साथ संप्रेषित किया जाता है, इसे द्विअंगु मार्गिक बनाया जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कलाकारों की टुकड़ी के लेखन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। अभिनेता मलिक जुनेजा, सलमान पीरजादा, सरवन खिलाड़ी सानिया सदईद और अलीना खान अपना तकरूब से गुंजायमान प्रदर्शन करते हैं। चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला, कविता और स्थापित उदासी के साथ डायलॉग एक टूटे हुए परिवार का मार्मिक चित्र बनाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के सुभ्रा गुप्ता ने डायलॉग की पाकिस्तानी की पहली आधिकारिक प्रतिष्ठित दिल की छू लेने वाली कहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट के लोबिया गौर्क ने फिल्म की समीक्षा करते हुए पारिवारिक गाथा एक जिसे निर्देशक सादिक ये देखने के लिए उपयोग करता है कि लिंग मानदंड कैसे सीमित होते हैं और फिर व्यक्तित्व के दम तोड़ने हैं और हमें वर्णित किया अपनी चिंचली व्यक्ति की टिप्पणी में यारने गैलॉक के लिंग और कामुकता का एक दर्दनाक विचार कहा। डायलॉग हॉलीवुड डेली के अन्ना स्मिथ में कहा है कि फिल्म में यह की एक चलन भावना है जो इसके पात्रों के रूप में भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा नहीं बनाई गई है। स्मिथ ने अपनी समीक्षा का समापन करने हुए लिखा, डायलॉग एक विचारशील अच्छी तरह से प्रदर्शित और मनोरंजक नाटक है जो एक ऐसी संस्कृति में स्थापित है जो बदलती रहती है और हमेशा आसानी से नहीं होती है।